छत्तीस संघ अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों का दंगल। जंतर मंतर पर फिर क्यों पहुंचे पहलवान? पहलवानों की यौन शोषण का असली सच। देश के प्रसिद्ध पहलवानों का आखिर क्यों हो रहा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन? अखाड़े में बड़े बड़े सुरमाओं को छठी का दूध याद दिलाने वाली ये भारतीय धाकड़ पहलवानों ने अब दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करना फिर से शुरू कर दिया है। इनका आरोप है कि फेडरेशन अपने अजीब नियमों से उत्पीड़न कर रहा है। धरना देने वालों में बजरंग पूर्णिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट है और यह प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा है। जब पूरी दुनिया के खिलाड़ी ओलंपिक 2024 की तैयारी में जुटे हैं, सभी अपना बेस्ट देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में हमारे देश के पहलवानों को धरना देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? वह भी तब जब एक बार वो अपनी शिकायतों को खेल मंत्री के सामने रख चुके हैं। सवाल यह भी है कि ओलंपिक में पदक की उम्मीदों वाला खेल कुश्ती नहीं, राजनीति की बलि तो नहीं चढ़ रही है? आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से ये खिलाड़ी लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे। इसी साल जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भारत के कई पुरुष और महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक आंदोलन किया था। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उस वक्त पहलवानों ने इस आंदोलन में काफी सुर्खियां बटोरी और केंद्र सरकार ने शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। अब 3 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। वहीं पहलवान बजरंग पूर्णिया ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर सभी खाप पंचायतों से इस धरने में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग आगे आए। वहीं आंदोलन कर रहे पहलवानों का कहना है कि वो तब तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे कि जब तक दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर लेती। इनका कहना है कि जिन लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें की है, पुलिस उस पर FIR दर्ज करे और उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं मिल जाती वह तब तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। वही पहलवानों का कहना है कि जिन 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनमें एक नाबालिग भी है। महिला पहलवानों का कहना है कि उन्होंने 21 अप्रैल को इस संबंध में दिल्ली के कैनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने जब 22 अप्रैल को शिकायत की स्थिति जानी तो उन्हें बताया गया कि FIR दर्ज नहीं की गई है। वही महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में FIR नहीं करने पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक कार्रवाई रिपोर्ट और गिरफ्तारियों का ब्यौरा मांगा है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का बेहद गंभीर आरोप लगाया था। इसके अलावा भी बृजभूषण शरण पर पहलवानों को डराने, धमकाने और जान से मारने का आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित हुई थी। इस कमेटी की दिग्गज पहलवान मेरी कॉम अध्यक्ष बनी थी। पहलवानों का आरोप है कि कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। पहलवान ज्ञान सिंह सहित हरियाणा कुश्ती से जुड़े लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। ज्ञान सिंह की गिनती देश के नामी पहलवानों में होती है। उन्हें ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश के कई हिस्सों से पहलवानों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। वही आपको बता दें कि बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कुश्ती संघ में उनके लोगों को जगह न मिलने से पहलवान नाराज है। बृजभूषण ने कहा था कि ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उन्हें प्रताड़ित किया है? क्या उन्हें पिछले 10 साल से संघ में कोई समस्या नहीं थी? यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगा। इस खबर पे आपका क्या कुछ कहना है कि आखिर क्यों बृजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश तो नहीं? इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।